नमस्कार आदाब सलाम, मैं अपने फिरदौस कंप्यूटर से अपनी प्रथा को कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते हुए हमारा बस टारगेट यही है कि हर एक बच्चा फिरदौस कंप्यूटर में पढ़ने वाला yes, वो अपनी बात को रख पाए समाज के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, ज़रूरत पड़ने पे जहाँ चाहे वहाँ अच्छे से बात कर ले, कहीं शर्माने ना पाए। फिरदौस कंप्यूटर कंप्यूटर के साथ साथ एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल देता है। आज हमारे पास बहुत छोटा सा प्यार सा बच्चा है, उम्र में बहुत छोटा सा है, पर हम उम्मीद करते हैं ये बड़ों वाली बातें करें हमसे आज। बेटा यस, आपका नाम, अपने बारे में बताइए, अपने पापा का नाम, आप कहाँ रहते हैं आप? सर मेरा नाम मोहम्मद अंजल है। हाँ, हम चाहेंगे थोड़ा तेज बोलिए। हम चाहेंगे सर मेरा नाम मोहम्मद अंजल है, मेरे पापा का नाम है अशफाक अली जी। मैं रहता हूँ कजियारे कमेली कोट पे जी। आप कितना पढ़े हुए हैं आप? सर मैं आठवें तक पढ़ा हूँ। आठवें तक ही? उम्र कम है, हम आपकी भी हिम्मत बढ़ा रहे हैं ताकि अपने आप को वैसे ही बनाएं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में पढ़ाई को क्या इम्पोर्टेंस देते हैं, आप पढ़ना क्यों चाहिए, हम पूछ रहे हैं। सर मैं पढ़ना इसलिए जाता हूँ कि मैं खूब ही ऊपर जाऊँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। अच्छा, पढ़ाई से क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों पढ़ते हैं आदमी? सर पढ़ाई से ये फ़ायदे हैं कि नौकरी मिल जाती है, ये वो। नौकरी मिल जाती है? यस सर। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में बताएंगे आपको। सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ते हैं अपने आने वाले काम, पढ़ के होते हैं कोई भी काम करें, चाहे प्राइवेट काम करें या सरकारी काम करें, उस सभी को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं काम, ठीक है ना। पढ़ लिखे होंगे तो अगर मान लिया भूसा ही बेचेंगे तो मिलेगी कामयाबी, अगर जाहिल होंगे तो भूसा बेचने में भी नाकामयाब हो जाएंगे इसको, ठीक है। आपने फिरदौस कंप्यूटर क्यों ज्वाइन किया आपने? सर फिरदौस कंप्यूटर मैंने ज्वाइन किया, मेरे दोस्त भी यहाँ पढ़ते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की पढ़ाई सुन के। आपने पढ़ाई सुन के फिरदौस कंप्यूटर ज्वाइन किया है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो सुना है आपने वो आपको खुद मिले आपको, ताकि आप भी दूसरों को बाहर वैसे ही बताएं। यस सर। ठीक है, आप अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत करते हैं, हमें कुछ मोहब्बत की इंतहा बताइए, करते हैं या नहीं करते हैं? सर करते हैं, बहुत करते हैं कि लफ्ज़ों में बता भी नहीं सकते। अच्छा, हम पूछेंगे अगर मोहब्बत क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो फीस जमा करते हैं इसलिए करते हैं, या वो खाना खिलाते हैं इसलिए मोहब्बत करते हैं, या अभी कोई ज़रूरत है तो मोहब्बत करते हैं? नहीं सर, लगन है। लगन है आपकी? यस। अच्छा, मोहब्बत करने से फ़ायदा क्या माँ बाप का? सर फ़ायदा है, माँ बाप ने हमको इतना प्यार दिया। चलिए हम सुन रहे हैं। हाँ, प्यार दिया और बचपन से पाला हमको। पाला आपको और हर ख्वाहिशें पूरी की। हाँ, हर ख्वाहिशें पूरी करी हैं, सुने बचपन पढ़ा है जी। ठीक है, आप आइंदा पढ़ लिख कर बनना क्या चाहते हैं, ख्वाब क्या आपका है बनने का? सर मेरे दादा पापा व्यापार थे, व्यापारी करते थे। हाँ। और मैं पापा के साथ इस टाइम भी थोड़ा बहुत काम करवाता हूँ। हाँ। और मैं पढ़ना चाहता हूँ कि मुझे नौकरी मिल जाए और मैं माँ बाप का नाम रोशन करूँ। अरे वाह, हम ही कहेंगे, हम फिर से वही बात दोहराएंगे, पढ़ाई एक अपने आप में बड़ी खूबसूरती है। यस सर। पढ़े लिखे होंगे आप तो कुछ भी काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, कुछ काम छोटा नहीं होता है। चलो मजदूरी करेंगे मान लो, तो भी हम बड़े स्मार्ट तरीके से मजदूरी कर लेंगे। यस सर। ठीक है ना, तो पढ़ने का सिर्फ टारगेट एक ये नहीं कि नौकरी पाना है, कुछ भी काम करें। पढ़े लिखा इंसान डरपोक होता है, मोहब्बत करता है माँ बाप से, अपनी इज्जत से मोहब्बत करता है, ठीक है ना। तो सिर्फ नौकरी मत बोलिएगा, अपने हर एक से मोहब्बत करने के लिए और ख़ुद चरित्र को निखार करने के लिए हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, आज तक आपने अपनी पढ़ाई से क्या पाया आपने? सर मैंने अपनी पढ़ाई से बहुत कुछ पा लिया है। जैसे क्या पा लिया है, हम कुछ बताइए, हम भी कुछ जाने। क्या पाया आपने? लड्डू पेड़े पा लिए, क्या पा लिया आपने? नहीं सर, मैं पढ़ लिख के आप मतलब भाषा मतलब लैंग्वेज भी चेंज हो गई है। आखा, लैंग्वेज चेंज हो गई पढ़ाई लिखाई से। वाह, राइटिंग भी बढ़िया हो, राइटिंग भी बढ़िया हो गई। अरे वाह, ठीक है। और यही पढ़ाई से हमारा रहन सहन, बोली बातचीत, उठना बैठना, कपड़े, बिहेवियर, है ना, और किससे कैसे बात की जाए, है ना, कब खामोश हुआ जाए, ये सब पढ़ाई एक सुंदरता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप बहुत छोटे से हैं तब भी आपने इतनी बातें हमसे करी, बहुत ही पॉजिटिव रहा आपका। हमें खुशी और दुआ दोनों साथ में है कि अल्लाह पाक आप पढ़ लिख जाएं और जिस टारगेट को चाहते हैं आप पाना वो उसको आप पाएं। तो बहुत छोटे से थे, इन्होंने जैसा ही मुझे बोला बहुत ही अप्रिशिएट बोला, भविष्य में इनको बहुत सी दुआएं, उम्मीद करते हैं ये ऐसे आगे कामयाब बने। मिलते हैं अपने एक नए बच्चे के साथ, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।